अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह की रहमत और फजल के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो यार आज ख़ास चीज़ ये है कि आज के व्लॉग के अंदर मैं वीडियोज़ वगैरह बनाता था अपनी, तो अक्सर मसला होता था यार वीडियो बनाते वक्त जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो गड़बड़ कर जाती थी। एक चीज़ तो ये थी कि अक्सर वीडियो बनाते वक्त जो है ना हाथ बड़ा हिलता था, तो वो वीडियो का वो मज़ा नहीं आता था। तो मैं सोच रहा था यार क्यों ना कुछ चीज़ें ख़रीद ली जाएँ। अब वीडियो बनाने के लिए कुछ चीज़ें तो लेनी चाहिए इंसान को, ताकि उसकी वीडियो जो है वो अच्छी से अच्छी बन सके, और कोशिश करनी चाहिए इंसान को कि उसकी वीडियो अच्छी बने। तो इसलिए फिर मैं बाज़ार गया, तो मैंने वहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीदी, और उसके अंदर एक चीज़ ये थी क्योंकि मैं तो नया हूँ इस चीज़ में, मुझे इतना आइडिया नहीं है इन चीज़ों का, तो एक चीज़ मैं ख़रीद के लेकर आया हूँ। तो मैं चाह रहा था कि उस चीज़ को भी आपके साथ शेयर करूं। आप जो जितने मेरे यूट्यूबर भाई हैं उनको ज़्यादा पता होता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी चीज़ कैसी है। खैर अब जल्दी में मैं चला गया मार्केट, तो मैंने वहाँ से परचेज़ कर ली कुछ चीज़ें। तो उसके अंदर एक चीज़ थी जो मैं समझता था कि यार ये लाजमी होनी चाहिए, तो उसके लिए मैंने जो है वो फिर मार्केट का विज़िट किया, और वहाँ से जो है ना मैं एक चीज़ ख़रीद के लेकर आया हूँ। तो उसको अनबॉक्स भी करते हैं और अनबॉक्स करके आपके साथ भी शेयर करते हैं। आप भी जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा लाजमी कमेंट के अंदर कि आया कि जो चीज़ मैं ख़रीद के लेकर आया हूँ ये अच्छी है या ख़राब है, या इससे बेटर भी मिलती है कहीं पर, तो वो मुझे लाजमी शेयर करें ताकि मैं जो है वो मज़ीद अच्छी चीज़ लेकर आऊँ और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूँ। क्योंकि इन गैजेट्स की वजह से जो है ना आपकी वीडियो बेहतर होती हैं। तो चलते हैं गैजेट की तरफ। गैजेट तो नहीं कह सकते, एक समझ है कि एक वीडियो का एक उसके बनाने के अंदर जो है ना उसकी बेहतरी के अंदर एक किरदार अदा करता है, क्योंकि इंसान है वो हिलता जुलता रहता है। तो उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि यार आपके पास इस तरह के इक्विपमेंट्स होने चाहिए वीडियो, ताकि आपकी अच्छी से अच्छी बन सके और उसके अंदर स्टेबिलिटी आए और मूवमेंट कम से कम हो। तो चलते हैं इक्विपमेंट की तरफ चलते हैं। तो उसको अनबॉक्स करते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं कि आप भी चेक करें कि आया कि जो चीज़ ली है वो अच्छी है, और अगर इससे अच्छी मिल सकती है वो कहाँ से मिलेगी वो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो भी आप जो है वो लाजमी मुझे बताइएगा। तो चलते हैं अनबॉक्स करते हैं। तो ये है हमारा बॉक्स, ठीक है। अब जो मेरे भाई यूट्यूब के ऊपर वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो उनको तो अंदाज़ा हो गया होगा कि ये क्या चीज़ है। तो इसको अनबॉक्स करते हैं। देखें अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ना तो मुझे परेशानी हो रही है, तो इसलिए मैंने इसको जो है परचेज़ करना ज़रूरी समझा कि आया यार कि ये होना चाहिए, क्योंकि अक्सर वीडियोस के अंदर जो है ना इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, तो ये ना होने की वजह से अक्सर जो है ना वो हाथ जो है वो हिलता रहता था। तो इसलिए मैं ये ख़रीद के ले आया हूँ, आपके साथ भी शेयर करता हूँ। अब अक्सर जो है हर वक्त कोई ना कोई मौजूद नहीं होता है, तो सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, तो इसके लिए ये इक्विपमेंट जो है वो ज़रूरी था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि यार ये ज़रूरी है, तो आपके साथ भी शेयर करते हैं कि यार ये इक्विपमेंट कैसा है। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें ये आपके सामने है, और माशाल्लाह ये देखें इसके अंदर काफ़ी सारे मूवमेंट्स के लिए इन्होंने जो है वो सिस्टम दिए हुए हैं। अब इसको यूज़ करेंगे तो पता लगेगा कि यार ये कैसा है इक्विपमेंट। और माशाल्लाह इसकी क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये अल्मूनियम का स्टैंड है, और वेट में नॉर्मल है, कोई बहुत ज़्यादा वेट नहीं है इसका, लेकिन ये है अल्मूनियम के अंदर। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये देखें ये काफ़ी इसकी लेंथ जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो अच्छी हो जाती है। एक मिनट मैं आपको ज़रा इसको खोल के दिखाता हूँ। अब मैं इसको खोल चुका हूँ, ठीक है, और ये देखें कि यहाँ तक ये आ चुका है। इसके अलावा भी ये मज़ीद जो है वो अब खुलेगा, ठीक है। इसके मैंने एक ग्रिप खोली है, तो यानी कि आप इसको जो है ये देखें दाएं बाएं जा रहा है। ये ज़रूरी चीज़ है भाई, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये आपके पास होना चाहिए। जो जो वीडियो बनाते हैं अक्सर तो उनके लिए ये चीज़ ज़रूरी है। अब मैंने इसको जो है वो मज़ीद खोल लिया है। अब ये देखें इसके अंदर ये सिस्टम भी मौजूद है। ये अभी मैं इसको देखें ये मैं इसको खोलता जा रहा हूँ। ये ऑलमोस्ट मेरी हाइट 6 फीट है,
और ये आपके सामने है, देखें कि ये कहाँ तक आ चुका है। तो आप इसको जहाँ भी फिक्स करना चाहें आप इसको फिक्स कर सकते हैं। और मैंने खैर फ़िलहाल इसके मोबाइल फ़िक्स नहीं किया है, इसका इक्विपमेंट कह रहे हैं, मैं बार बार गैजेट कह देता हूँ। तो इसको यहाँ पर फिट करते हैं मज़ीद को, और इसके ऊपर फिर मोबाइल फ़िक्स करके जो है वो आप इजीली अपनी वीडियो जो है वो बना सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि काम करते वक्त कोई भी वीडियो बनाते वक्त आपका हाथ जो है ना बार बार हिलता है, तो उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो थोड़े से पैसे लग जाते हैं आपके, लेकिन ये कि आपकी वीडियो की क्वालिटी आपकी अच्छी हो जाती है, मज़ीद आपको जो है ना वो भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है। तो आपने देखा कि ये वाला इक्विपमेंट जो अभी देखें मेरी हाइट के बिल्कुल, ये बिल्कुल मेरी हाइट के यहाँ तक आ रहा है। अगर इसकी अगर हम बात करें ना, तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। मुझे समझ में आता था कि यार ये चीज़ें होनी चाहिए जिसकी वजह से मेरी वीडियोज़ जो है वो बड़ी हिलती थी, स्टेबिलिटी उसके अंदर नहीं आती थी, तो इसलिए मैं ये लेकर आया हूँ। और एक दो चीज़ें और भी हैं लेकिन वो नॉर्मल हैं, वो उसकी इतनी ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत होती, लेकिन ये ज़रूरी चीज़ थी वीडियो बनाकर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी छोटी सी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर यार मेरा इक्विपमेंट भी पसंद आएगा। और अगर इससे मज़ीद कोई अच्छा इक्विपमेंट कहीं से मिलता है और तो आप मुझे लाजमी जो है वो बताइएगा। और ये कि ये स्टैंड आपको लगता है कि यार ये ज़रूरी है, तो ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि यार आपने जो मैंने ये काम किया ये अच्छा है या बुरा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो ज़रूर उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।